हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव हाईवे। छोटी सी कहानी पर बड़ी सी है बात में। रामायण का एक अनजान सत्य, केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ का वध कर सकते थे। आइए जानते हैं उसका क्या कारण था। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था, बगल की कुटिया में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुख ना देखा हो और 14 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि की सारी बात समझकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए, भला ईश्वर से कोई बात छिपी है। फिर भी प्रभु जी चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए, प्रभु ने कहा, आपसे जो पूछा जाए सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख ना देखा, ऐसा कैसे। फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे, और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैंने तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई भी आभूषण नहीं पहचाने, क्योंकि मैंने उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वो 14 साल तक मुझे स्पर्श भी नहीं करेगी। अब 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को कहा ही नहीं, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उसे संभाल कर रख दिए हैं, सभी फल उस कुटिया में अभी भी होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया से वे सारे फल की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन, समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा दिन, आप इंद्रजीत के नागपाश में बनकर दिन भर अचेत रहे। पांचवा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में थे। छठा दिन,
जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, और सातवां दिन जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसका प्रयोग कर मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रण कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तो यही रहस्य था जिससे लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया। Keep watching, keep learning and subscribe to my channel.